और अभी भी किसी की हार नहीं हुई है। साइकिल जिससे मतलब एक्सरसाइज कर, सो हे गाइस सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग रलवेली ब्लॉग चैनल में। सो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, ए चुप है क्या, जॉब से तो छुट्टी है आपके भाई की। सो गाइस मतलब छुट्टी किस लिए है, क्योंकि हमारे यूपी में चारों तरफ चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही मतलब चारों तरफ चुनाव है, जहां पर मतलब जैसे पार्षद वाले चुनाव होते गाइस, तो वाले पार्षद वाले चुनाव है। अच्छा हमको सिखा रहा है। और जब प्रधान होते हैं ज्यादातर गांव में, मतलब गांव एरिए जो होते हैं, गांव होते हैं वहां मतलब ज्यादातर प्रधान होते हैं, तो ऐसी जगहों पर नहीं है, तो पूरी यूपी में तो नहीं है, कुछ जगह मतलब जो गांव में जहां प्रधान होते हैं, प्रधानी चुनाव होते हैं वहां नहीं है, जब पार्षद चुनाव होते हैं तो वहां पर चुनाव हो रहे हैं गाइस। और ये मेजर के भी चुनाव है, मतलब मेजर भी इसी से चुना जाता है गाइस। सो मतलब तो आज मेरी जॉब से इसीलिए छुट्टी है गाइस, क्योंकि हर आदमी अपने मतलब वोट डाल सके और ऐसे बंदे को जिता सके जो मतलब लोगों की सुने, once more, और हर एक इंसान की सुने, मतलब इसलिए हर एक इंसान को हक दिया गया है कि मतलब वो वोट डाले, तो इसलिए आज की छुट्टी है। और गाइस पता है वोट हमारे जस्ट सामने ही डले, मतलब हमारे घर के सामने ही स्कूल है, तो वहीं पर वोट डाले जा रहे हैं। मैं नहीं मानता है, तो मतलब मम्मी का और पापा का आया था और मेरा भी आया था, तो खैर मैंने अभी डाला नहीं है, पर मम्मी और पापा ने डाला है, तो वो सामने वाले स्कूल में ही आया है। मैं दिखाता हूँ गाइस कहाँ पर वोट डल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने वाले इस स्कूल में वोट डल रहे हैं, ये देखिए ये स्कूल है और यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, ये देखिए भाई भीड़, और वहाँ पर देखिए वहाँ से पर्ची मिल रही है, जो वोट डालने के लिए पर्ची मिलती है, तो सामने जो भीड़ आपको दिख रही है, और मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ आपको, तो सामने जो भीड़ आपको दिख रही है गाइस, तो यहाँ पर मतलब वोट, ये यहाँ से पर्ची मिल रही है वोट डालने के लिए, और यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं स्कूल में, यहाँ पर देखिए पुलिस भी बैठी हुई है भाई, तो इस स्कूल में जहारवीर गोगा जी इंटर कॉलेज, इस स्कूल में वोट डाले जा रहे हैं। तो अभी आपके भाई ने तो नहीं डाला है, और मम्मी और पापा ने मतलब डाल दिया वोट। सो आज की छुट्टी है, तो मैंने सोचा यार आज क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए, और ऐसे ही घर का मतलब क्या करते हैं, क्या करेंगे पूरे दिन में। सो मतलब काफ़ी मैंने सोचा है यार ब्लॉग बनाते हैं, तो थोड़ा आज मतलब काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं आया मेरा, और ईद पर आया था, मतलब ईद पर जो बनाया था तो वो ब्लॉग डाला है मैंने, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आया। सो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते गए। सो जो भी होगा आज पूरे दिन में तो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। तो अभी काफ़ी भीड़ है वोटिंग पे, तो देखिए भाई मैं वैसे वोट डालने जाता हूँ, वैसे जाऊँगा देखता हूँ, शाम तक जाऊँगा, क्योंकि भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस। सो देखते हैं गाइस, तो चलते हैं अभी और भी चीज़ें दिखाएंगे। सो गाइस हमारी अम्मी को हाथ से कपड़े धोने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि मशीन आ गई है फिर भी हाथ से धोती है। यहाँ पर देखिए मशीन, मतलब यहाँ पर हाथ से कपड़े धो रही है, ये हाथ से कपड़े धुल रहे हैं, कुछ पूछा मैंने कुछ। और यहाँ पर देखिए मशीन है फिर भी, मतलब मशीन से भी धुलते हैं, पर मम्मी हमारी धोती नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, तो मशीन से नहीं धोती है, हाथ से ज्यादा मजा आता है उन्हें धोने में। और हमने 10 बार बोला, मतलब सब बोलते घर में कि भाई कपड़े मशीन से धोया करो, पर नहीं, वो नहीं धोती है, वो सिर्फ हाथ से धोती है, कहती है बहुत मजा आता है मुझे हाथ से धोने में। अब इनका क्या करा जाए आप ही लोग कमेंट करके बताओ। सो अभी चलते है इस खाना खाने के लिए, और मतलब थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, सो अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं। और ये देखिए खाना निकाल के रख दिया हमारी साविया ने मेरे लिए, तो चलते गाइस खाना खा लेते हैं। सो अभी यहाँ बैठ कर खाना खाएंगे आराम से, ये किनका मन रखा है, चलिए खाना खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आपसे मिलते गाइस। सो गाइस आज हो रहा है महा मुकाबला, और साविया के बीच में और रूबी के बीच में, तो देखते हैं यहाँ पर हम चौक से पहले एक लाइन काटते हैं, और फिर जो इंसान साविया अपने पाले में रूबी को ले जाएगी तो साविया जीत जाएगी, रूबी अपने पाले में साविया को ले जाएगी तो वो जीत जाएगी, ऐसे करके महा मुकाबला होगा, और इसमें ताकत दिखानी पड़ेगी अपनी। तो गाइस यहाँ पर एक लकीर काटते हैं, और पाला बराबर बराबर कर दिया है, और लकीर काट के फिर होता है महा मुकाबला, तो लकीर काटते हैं अभी यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखिए लकीर काटते हैं, लकीर कर चुकी है तो यहाँ से अब मुकाबला शुरू होगा, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। और देखिए साविया रूबी के पाले में घुस गई है, साविया को रूबी को खींचने के लिए ले जा रूबी, साविया ले जा खींच के जल्दी ले जा ले जा ले जा। तो यहाँ पर देखिए साविया रूबी ले जा जल्दी ले जा लेके जा लेके। तो सावी अपने पाले में ले आ रही है रूबी को खींच के, और जल्दी जल्दी। और यहाँ पर देखिए देखिए अभी अभी एक पैर रह गया, एक पैर रह गया बस। और अभी हार नहीं हुई है किसी की भी, अभी किसी की भी हार नहीं हुई है। सो फिर साविया पाले में घुस गई है रूबी को खींचने के लिए, जल्दी ले जा ले जा। और अभी भी किसी की हार नहीं हुई है, देखे जल्दी जल्दी जा। तो अभी देखिए पाले में, और यहाँ पर देखिए रूबी की हार हो गई है और साविया जीत चुकी है। तो आपको जीत के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हार के कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है इनको हार के बताओ, हार के कैसा लग रहा है? बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और अपना चेहरा दिखा रहे, लाइक भी नहीं रहे हैं, मतलब हार इनको हार बहुत बुरी लगी। एक चांस और मांग रही है, once more! एक चांस दिया गया है यहाँ पर रूबी को, और मतलब एक चांस में हराना है ना, और एक चांस में इनको हराना है साविया को। तो चलिए एक चांस आपको मिला है, तो चलिए हाँ तैयार, चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर अब साविया ज्यादा पीछे नहीं जाना है आपको, और झाड़ू से पीछे नहीं जाना है, झाड़ू रखी है जो। यहाँ पर देखिए साविया रूबी कैच कर ले जाएगी अब साविया को उसके पाले में, ले जा ले जा ले जा जल्दी। देखिए ताकत तो बची नहीं है रूबी में, उठा के ले जा। लेके जा जल्दी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीत हो गई है रूबी बाजी की। स्टार्ट करो। कैसे लग रही है आपको जीत? बहुत अच्छा। सो गाइस महा मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों की एक एक बार जीत हुई है, क्योंकि मतलब दूसरा खिलाड़ी बोल रहा था कि बेईमानी हुई है, एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए, एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। तो फिर रूबी को मतलब एक मौका दिया गया तो उसने मतलब अपनी जीत कर ली। और फिर दूसरी बात में साविया बोल रही थी कि ये मार पीट के और गला वाला पकड़ के मतलब अपने पाले में खींच के ले जा रही है, तो मतलब ऐसा करके उसने भी बेईमानी का उस पर क्लेम लगाया कि इसने बेईमानी की है। तो पर कैसे भी गए दोनों खिलाड़ी एक एक बार मतलब दोनों जीत चुके हैं। सो मैच हो गया ड्रो। और गाइस मतलब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, और जो भी चीज़ें होंगी मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको आज के दिन। सो गाइस चलते हैं आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। सो गाइस अभी आपका भाई नहा लिया है, अच्छा और अभी थोड़ी देर पहले ही नहाया हूँ गाइस, तो ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा यार नहा लूँ। सो गाइस मतलब दो तीन दिन पहले और घर पर एक चीज़ आई है, मतलब ऐसी चीज़ आई है वो मम्मी और पापा के लिए आई है, तो मतलब काफ़ी अच्छी है और बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब भी, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मतलब एक सरप्राइज़ है एक तरह से आप लोगों के लिए। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उस चीज़ को, दिखाने वाला हूँ मैं आपको। सो मम्मी और पापा के लिए आई है वो, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है वो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है उनके लिए। सो गाइस मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो चीज़, तो चलते गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ है वो। और ये देखिए ये है साइकिल, जिससे मतलब एक्सरसाइज करते हैं रनिंग, मतलब रनिंग के लिए चलाने के लिए जो साइकिल, मतलब थोड़ा पेट वेट बढ़ जाता है उसके लिए, काफ़ी बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी दो तीन दिन पहले ही ये मंगाई है, दो तीन दिन पहले ही आई है, तो काफ़ी अच्छी है। और मैं कुछ फीचर बताता हूँ गाइस इसको, मतलब इसके तो काफ़ी अच्छे फीचर है। देखिए यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर है,
इसको ऑन कर लेते हैं तो काफ़ी मतलब मीटर जैसे ऑन कर लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हम कितना चल रही है, कितने किलोमीटर चल रही है। यहाँ पर टाइम भी पता चलता है इसी मीटर में गाइस, तो यहाँ पर टाइम भी पता चलता है। और गाइस ये जो आपको स्विच दिख रहा है, ये स्विच जो दिख रहा है आपको गाइस, ये इसको मतलब ये पैडल है ना, इसके पैडल मतलब टाइट करने के लिए, जैसे मतलब पैडल टाइट हो जाएंगे तो एक्सरसाइज करते करते आप टाइट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको मतलब इस बटन से, इस स्विच से आप कर सकते हो। और काफ़ी बढ़िया मतलब फीचर है इसके। और ये देखिए यहाँ पर ये भी एक्सरसाइज का है, ये जो ये लगा हुआ है ये नीचे हो जाता है तो ये भी एक्सरसाइज का है। इस पर बैठ के मतलब इस पर यहाँ पर खड़े होकर इस पर एक्सरसाइज करते हैं। ये पैर के जो निशान बने हुए हैं, ये देखिए ये पैर के निशान बने हुए हैं, इसको भी मतलब यहाँ पर भी एक्सरसाइज करने का है कुछ। और गाइस यहाँ पर देखिए काफ़ी बढ़िया फीचर है, मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ गाइस, तो एक बार आपको चलाकर दिखाता हूँ और पूरी तरीके से दिखाता हूँ। देखिए अभी पन्नी भी नहीं हटी भाई इसकी, अभी इसकी पन्नी भी नहीं हटी है क्योंकि अभी इसको सिर्फ आए हुए 2 दिन हुए हैं। और इसके जो आप ये देख रहे हो ना, ये इसमें लगता है, ये जो ये हत्ता सा जो आपको दिख रहा है गाइस, ये हत्ता सा जो आपको दिख रहा है ना उसमें लगता है, इसमें पैडल में लगता है। तो ये है ना पूरा ऐसे चलता है, ये मतलब ये सिस्टम पूरा ऐसे चलता है, आगे पीछे होता है, पैरों के साथ साथ मतलब आपके हाथों की एक्सरसाइज भी होती है इससे। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगा मुझे, बहुत अच्छी लगी ये साइकिल, काफ़ी बढ़िया लगी। इसको चलाने का कुछ ऐसा तरीका है भाई, तो बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी, ये देखिए तो काफ़ी बढ़िया चल रही है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो मतलब ये देखिए, और ये देखिए मीटर चल रहा है यहाँ पर। सो अभी मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ गाइस, तो मैं अभी इसको आपको चलाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलती है। और ये भी मतलब मैंने अभी लगाई नहीं है तो ये बंधे हुए हैं, थोड़ा पापा ने बांध दिए हैं, पर मैं मतलब किसी दिन चलाऊँगा इसको भी दिखाऊँगा आपको। तो अभी ये हाथ वाला एक्सरसाइज मैं नहीं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि साइकिल कैसे चलाते हो और कैसे ये मीटर चलेगा। तो मीटर भी चल रहा है अभी, चालू है, ऑन है। सो गाइस मैं आपको ये पैडल मार के साइकिल चलाकर दिखाता हूँ, तो चलिए गाइस। सो गाइस कैसे लगे आपको एक्सरसाइज साइकिल के फ्यूचर? और नो no. और काफी बढ़िया फ्यूचर है, काफी बढ़िया मतलब पैर की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, मतलब पेट की एक्सरसाइज, सब कुछ फ्यूचर है उसके साथ, बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस अगर आपको भी ये इस साइकिल की ज़रूरत है, आपको भी ऐसी मतलब फैमिली के लिए या घर में मम्मी पापा के लिए ज़रूरत है, तो आप लोग भी ऑनलाइन करके मंगा सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया साइकिल है और काफ़ी हेल्पफुल है सबके लिए, घर में फैमिली में। तो सो गाइस मतलब आज का ब्लॉग भाई इतना ही, और गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और कैसी लगी मतलब सब कुछ मेरा आज का दिन कैसा लगा आपको, सो ये चीज़ भी बताना आप गाइस। तो साइकिल कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके बताना गाइस। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो आपके सब्सक्राइबर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता हूँ मैं, वो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि नई नई वीडियो लेकर आऊँ, नई नई जगह पर जाऊँ। सो काफ़ी मतलब और काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी है मुझे, तो दिक्कत है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाता बाहर, अभी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ गाइस। सो जिस दिन जाऊँगा बाहर तो बाहर के भी ब्लॉग आएंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। सो अभी तो मैं घर में ही आपके लिए नए नए कंटेंट शूट कर रहा हूँ गाइस। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं सो गाइस आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग को भी देख सकते हो, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने मिनी ब्लॉग चैनल का लिंक दिया है, तो आप वहाँ जाकर मेरे मिनी ब्लॉग भी देख सकते हो जो डेली ब्लॉग मैं बनाता हूँ, और बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको वो भी, बहुत ही बढ़िया जो डेली लाइफ स्टाइल होता है मेरा, तो उसमें मतलब वो बनाता हूँ, जॉब पर जाता हूँ वो सब कुछ। सो आप लोग वो भी देख सकते हो गाइस। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।